हेलो प्यारे बच्चों, बेटा आज हम क्लास 10 मैथ्स की एक नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। ना बहुत ही छोटी सी और बहुत ही आसान प्रश्नावली होती है और इसमें बच्चों के फुल मार्क्स आते हैं, है ना। बस इसमें क्या है बेटा, छोटा सा कंसेप्ट्स हैं उनको समझने की ज़रूरत है, जो कि बिल्कुल बहुत ही आम जीवन पे आधारित हैं, सबने देखे हुए होते हैं, है ना। जैसे डाइस होती है, डाइस सबने देखी होती है, खेलते हैं ना वो सांप सीढ़ी वाला जो खेल खेलते हैं, उसमें एक डाइस होता है ना, और हिंदी में उसको पासा बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, डाइस बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पासा, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे सिक्का होता है ना, तो सिक्के को एक होता है उसका चित, है ना, और एक होता है उसका पट। चित को हम हेड बोलते हैं और पट को हम टेल बोलते हैं ना। तो इसको एच से डिनोट कर देते हैं और इसको टी से डिनोट कर देते हैं। देखो पासा भी आपने देखा हुआ है, सिक्के का चित और पट भी आप जानते हो, है ना। उछालते हैं तो या तो चित आएगा या उसका पट आएगा, ठीक है। दूसरा, आपने ताश की पत्ती देखी होंगी सबने, है ना। ताश की पत्तियां कितनी होती हैं बताओ, है ना। अगर आपने खेली है तो आपको पता होगा, 52 नहीं है तो आप देख सकते हो किसी फ्रेंड की को, तो कितनी होती हैं, 52 होती हैं। चार तरह के होते हैं इसमें, है ना, चार तरह की पत्तियां होती हैं, 13 13 13 13 13 13 और 13, ठीक है। अभी प्रश्न आएंगे तो उसमें अपन बहुत अच्छी तरह से आसानी से इस चीज़ को समझ लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें बस एक ही फॉर्मूले पर आधारित हैं सारे प्रश्न जो हैं, कि किसी भी घटना की प्रायिकता, है ना, इसको पी से बोलते हैं, पी ए। किसी घटना की प्रायिकता जो होती है वो क्या होती है, उसका क्या सूत्र है, ए की अनुकूल स्थितियां बटे ए की कुल स्थितियां। तो फेवरेबल इवेंट्स कितनी है बटे टोटल इवेंट्स कितनी है, बस फेवरेबल इवेंट्स में टोटल इवेंट्स का क्या दे दो, भाग दे दो, तो क्या निकल जाएगी, उस घटना की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकल जाएगी, है ना। पी ए की जगह बी हो सकता है, तो बी पी बी क्या हो जाएगा, बी की अनुकूल स्थितियां बटे बी की कुल स्थितियां, बस सिंपल सी बात, है ना। तो अब आप देखो बेटा, पहला प्रश्न है ये राजस्थान बोर्ड की बुक है 18.1, लेकिन ये जो है ना हर बोर्ड के लिए उपयोगी है, ये है ना, ये बेसिक कंसेप्ट है। आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, आप एनसीईआरटी से हो, है ना, सीबीएसई बोर्ड से हो या किसी अन्य बोर्ड से हो, लेकिन ये प्रश्न वही होते हैं बेटा। मैथ्स पूरे इंडिया की एक ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप इन प्रश्नों को देख लोगे तो आपके कंसेप्ट जो हैं इसके बन जाएंगे, बहुत आसान आसान है। देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। एक पासे को फेंकने पर, है ना, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पूछ रहा है ये। एक पासे को फेंका और 4 से बड़ा अंक, है ना। अब देखो पासे को जो फेंकते हैं तो पासे पे देखो कितने होते हैं, 6 होते हैं, या तो एक डॉट होगा या 2 डॉट होंगे, ठीक है ना, या 3 डॉट होंगे या 4 डॉट होंगे, या इस तरह से 5 डॉट होंगे या फिर 6 डॉट होंगे, ठीक है ना। 6 सतह होती नहीं होती हैं, कोई भी जो पृष्ठ होता है उसकी कितनी कितनी सतह होती हैं, 6 सतह, इस तरह का होता है ना वो पासा जो होता है यूं, ठीक है ना। तो इसकी कितनी सतह हो गई, 6 सतह हो गई ये, ठीक है ना। वो एक ऊपर की एक नीचे की, 2 इधर साइडों की, ठीक है ना, और 2 इधर की साइडों की, 6। तो एक पे एक डॉट लगा रहता है, एक पे 2 डॉट लगे रहते हैं, एक पे 3 डॉट लगे रहते हैं, एक पे एक एक सतह पे 4 डॉट लगे रहते हैं, एक सतह पे 5 डॉट लगे रहते हैं, और एक सतह पे 6 डॉट लगे रहते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है ये। तो अब देखो बेटा कुल स्थितियां कितनी हैं बताओ, या तो एक डॉट हो सकता है, 2 हो सकता है, तो या तो एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 और 6। तो कुल स्थितियां कितनी हो गई बताओ, कुल कितनी स्थितियां हो गई, 6, है ना। अब ये क्या कह रहा है, पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक, तो 4 से बड़ा अंक क्या है, एक तो 5 है और एक 6 है ना। तो अनुकूल स्थिति कितनी हो गई, 2 हो गई, नहीं हो गई, अनुकूल स्थिति कितनी हो गई, 2। 4 से बड़ा अंक आने की अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई, 2, और कुल स्थितियां कितनी हो गई, 6। तो 2/6 कर देंगे, निकल गया ना, देख लो कितना आसान है ना। तो पी लिखेंगे कैसे, इसे 4 से बड़ा अंक, 4 से बड़ा अंक, है ना, और इस पी लगने से क्या बन गया, प्रायिकता बन गया ये,
है ना। तो पी चार से बड़ा अंक, इसका मतलब चार से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या हो गई, अनुकूल स्थितियां कितनी हैं, दो। पांच और छह को नहीं लिखना है, पांच और छह की क्वांटिटी गिननी है कि कितने हैं ये, तो एक और दो ऐसे समझेंगे। अगर ये कहता चार से बड़ी तो कितनी हो जाती बताओ, एक दो तीन हो जाती। अगर ये कहता तीन से बड़ी तो तीन भी आ जाता। अच्छा तीन से बड़ी, अच्छा ये चार से बड़ी तो खुद ही कह रहा है ये, हाँ। अगर ये कहता तीन से बड़ी तो तीन से बड़ी क्या हो जाती, चार पाँच छः हो जाती। अगर ये कहता दो से बड़ी तो दो से बड़ी कितनी हो जाती, एक दो तीन चार, तो ऊपर चार आता नीचे छः आता, ठीक है ना। तो पी चार से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या हो गई, अनुकूल परिस्थितियाँ दो, कुल परिस्थितियाँ छः। तो दो बटे छः का मतलब क्या हो गया, दो एकम दो, दो दिया छः, तो एक बटा तीन आंसर इसका आ गया, है ना। देखो कितने आसान प्रश्न हैं, ठीक है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो बेटा, ये एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। चित है ना, चित या पट, तो चित को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, पट को टेल बोलते हैं। तो दोनों बार हेड आने की प्रायिकता है ना। अब देखो कि अगर सिक्के को एक बार उछाला जाए तो या तो देखो बेटा, या तो एच आएगा या टी आएगा, या तो चित आएगा है ना, या पट आएगा। अगर सिर्फ कितनी बार उछाला जाए, एक बार उछाला जाए है ना। अगर दो बार उछाला जाए है ना, क्या किया जाए, सिक्के को दो बार उछाला जाए, तो देखो बेटा क्या हो सकता है, हो सकता है पहली बार भी एच आ जाए और दूसरी बार भी एच आ जाए, है ना। हो सकता है पहली बार एच आए दूसरी बार टी आए, है ना। फिर हो सकता है पहली बार टी आए दूसरी बार एच आए, फिर हो सकता है पहली बार भी टी आए और दूसरी बार भी टी आए, है ना। देखो इसके अलावा और कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, आप बना के देख लो भले ही, है ना। दो बार उछाल रहे हो आप, तो पहली बार भी एच आए दूसरी बार भी एच आए, हो सकता है पहली बार एच आए लेकिन दूसरी बार टेल आ जाए, फिर पहली बार हो सकता है टेल आए दूसरी बार हेड आ जाए, फिर या हो सकता है दोनों बार ही टेल टेल आ जाए, है ना। तो ये कितनी स्थितियां हो गई, चार स्थितियां हो गई। कुल स्थितियां कितनी हो गई, चार। इनके अलावा और कोई स्थिति नहीं बनती है, ठीक है ना। देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, पहले दोनों को एच एच लिख लो, फिर इसको टी कर दो, इसको एच ही रहने दो, इसको टी कर दो, फिर इसको टी कर दो, इसको एच कर दो, फिर दोनों को टी टी कर दो, है ना। ये इस तरह से हम इसे एक सीक्वेंस के हिसाब से ऐसे बना सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गई, अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई बताओ, चार, है ना। देखो बहुत आराम आराम से कर रहे हैं अपन, है ना। अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई बताओ, नहीं कुल स्थितियां हैं ये, कुल स्थितियां कितनी हैं, चार हैं, ठीक है ना। कुल स्थितियां कितनी हैं, चार, वन टू थ्री फोर, यानी ये एक स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है, ये तीसरी स्थिति और ये चौथी स्थिति है, ठीक है ना, वन टू थ्री और फोर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा था कि एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की, तो दोनों बार हेड, तो दोनों बार हेड कहाँ आ रहा है बताओ, सिर्फ इसमें आ रहा है। देखो इसमें हेड टेल है, इसमें टेल है, इसमें टेल, तो सिर्फ एक ही बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोनों में हेड। दोनों बार हेड आने की अनुकूल स्थिति कितनी है, एक है मात्र, है ना। दोनों बार चित आने की, तो ये सिर्फ एक है, है ना। तो अनुकूल स्थिति कितनी हो गई, एक। तो प्रायिकता क्या हो गई, अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां, एक बटे चार, ये लो आंसर आ गया, है ना। तो कैसे लिखेंगे, कैसे इसको, पी है ना, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, दोनों बार चित आना, दोनों बार चित आना, तो ऊपर तो आ जाएगा एक अनुकूल स्थितियां, नीचे आ जाएगा कुल, एक बटा चार, ये लो आंसर, ठीक है। पहले वाले का 1/3 आया, दूसरे का 1/4 आ गया, है ना। देखो कितने आसान क्वेश्चन हैं, है ना, बहुत आराम आराम से कर रहे हैं अपन धीरे धीरे, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखो बेटा, है ना, ये कह रहा है 1 से 17। देखो पहले प्रश्न बहुत आसानी से समझना चाहिए हमको, आराम से, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या यानी 1 से 17, उसमें 0 नहीं आता बेटा, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16, 17, है ना। मैं से एक को यादृच्छा चयन किया जाता है, यादृच्छा का मतलब एट रेंडम, कोई सी को उठा लिया, आपने ध्यान नहीं दिया है, बस ऐसे मतलब आंख बंद करके कोई सी एक को आपने चूज कर लिया, है ना। यादृच्छा का मतलब क्या होता है, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, है ना, बस अनायास ही आप उनमें से कोई भी एक,
ठीक है ना, बिना किसी प्रिजुडिस के, बिना किसी विशेष प्रयत्न के आप कर रहे हो ये, है ना। तो कोई एक संख्या का चयन कर रहे हो आप उनमें से, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या हो, है ना। अब देखो 1 से 17 तक टोटल संख्या कितनी हो गई, 17 हो गई, तो कुल स्थितियां तो कितनी हो गई, 17, है ना। अब अभाज्य संख्या हो तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है बेटा, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, उसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाए, नहीं उसके खंड नहीं हो सकते हो, अभाज्य इसके टुकड़े नहीं हो सकते हो। तो देखो कहाँ से शुरू होती है अभाज्य संख्या, 1 से शुरू नहीं होती, 2 से शुरू होती है बेटा, है ना। आप कहोगे कि 1 भी तो है सर, ठीक है ना, 1 भी तो है, क्योंकि 1 में 1 का ही भाग जाता है, लेकिन कहाँ से शुरू होती है अभाज्य संख्या, 2 से, है ना। तो 2, फिर इसके बाद 3, फिर 4 नहीं आता, 4 क्यों नहीं आता, क्योंकि इसमें 4 में देखो 2 का भाग जा रहा है। तो अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें खुद का भाग जाएगा या एक का भाग जाएगा बस। तो देखो 5 है, 5 में नहीं जाएगा, सिर्फ या तो 5 का जाएगा या 1 का जाएगा। लेकिन 6 अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि 6 में 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भाग भी जा रहा है ना। तो देखो मैं 1 से 17 तक की संख्याएं लिख लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ठीक है। तो कुल स्थितियां तो कितनी हो गई, 17 हो गई, है ना। अब ये कह रहा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो हम अभाज्य संख्या आने की अनुकूल स्थितियां निकालेंगे ना। तो अभाज्य संख्या देखो एक ये है ना, क्योंकि 2 में सिर्फ 2 का भाग जाता है, 3 भी है, 4 नहीं है, क्योंकि देखो 4 में 2 का भाग जा रहा है, 5 है अभाज्य संख्या, 6 नहीं है, क्योंकि 6 में देखो 2 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है, इसलिए, है ना। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें सिर्फ उसी का भाग जाए, जैसे ये 5 है तो 5 में सिर्फ 5 का ही भाग जाएगा या 1 का ही भाग जाएगा, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो देखो 6 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 6 में 2 का भाग भी जाता है और 3 का भी जाता है। 7 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 7 में सिर्फ 7 का ही भाग जाता है, 7 का जाता है या 1 का जाता है ना। और 8 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 8 में देखो 2 का भाग भी जाता है और 4 का भाग भी जाता है। 8 के अलावा किस किस का भाग चला, 8 के अलावा अगर किसी का भाग जा रहा है ना, तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। 9 भी नहीं है, 9 में 3 का भाग जाता है। 10 भी नहीं है, 10 में 2 का भी जाता है, 5 का भी जाता है। 11 है, क्योंकि 11 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता, है ना। 12 में चला जाता है, देखो 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 13 अभाज्य संख्या, 13 में भी नहीं जाता किसी का। 14 नहीं है, क्योंकि 14 में 2 का जाता है और 7 का जाता है। 15 में जाता है 3 का, 5 का, ये भी नहीं है। 16 भी नहीं है, 2 का चला जाता है, 4 का, फिर 8 का। और 17 भी अभाज्य संख्या है, तो 17 में भी सिर्फ 17 का ही भाग जाता है। तो 1 से 17 तक अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई, देखो 1 तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, ये अभाज्य संख्या हो गई 2 से और 1 से 17 के बीच। तो कितनी है इनकी संख्या, संख्या गिनेंगे इनकी, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कितनी है, 7 है ये, है ना। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 7, तो अनुकूल स्थितियां तो 7 हो गई और कुल स्थितियां कितनी है, 17, 1 से लेके 17 तक की, क्योंकि 1 से 17 तक कुछ भी आ सकता है ना, 1 से 17 तक आप वो संख्या चूज कर रहे हो, है ना, तो उनमें से कुछ भी आ सकता है। तो कुल स्थितियां तो कितनी हो गई, 17 हो गई, है ना, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, अनुकूल वो कुल स्थितियां तो कितनी हो गई, 17, लेकिन अनुकूल स्थितियां कितनी है, 7 हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या कितनी है 1 से 17 के बीच में, सिर्फ 7 अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। तो पी अभाज्य संख्या आना, ठीक है ना, पी अभाज्य संख्या आना का मतलब क्या हो गया, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, 1 से 17 के बीच अभाज्य संख्या आना, बराबर क्या हो गई, अनुकूल स्थितियां कितनी है, 7, कुल स्थितियां कितनी है, 17, ये लो आंसर, है ना। देखो कितना आसान है, 7/17 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अच्छा अब देखो, ये एक सिक्के को लगातार 3 बार उछाला जाए, है ना। तो देखो हमने सबसे पहले देखा था, अगर एक बार उछाला जाए, है ना, ये प्रश्न क्या है, देखो चौथा,
है ना बेटा, मैंने बताया ना आपको, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड का एग्जाम दोगे, लेकिन सब में कंसेप्ट वही है इस प्रायिकता के, है ना। तो हर किसी के लिए उपयोगी हैं ये चीजें। तो एक सिक्के के लगातार तीन उछालों में एकांतरतः चित या पटाने की, एकांतरता का मतलब होता है एक के बाद एक ना, अल्टरनेट है ना, चित पट चित या पट चित पट, ऐसे एकांतर यानी अलग अलग आना, एक के बाद एक बदल बदल के आना, ठीक है ना। चित या पटाने की प्रायिकता हमको निकालनी। तो सबसे पहले, तो सबसे पहला काम बेटा हमारा होता है कि कुल स्थितियां निकालना, किसी भी चीज की क्या निकालना, कुल स्थितियां निकालना। देखो अपन ने एक सिक्के को उछालोगे तो कुल स्थितियां कितनी होंगी, दो होंगी मात्र, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना, या तो चित आएगा या पट आएगा। लेकिन अगर दो बार उछाला आपने सिक्के को, एक सिक्के को दो बार उछाला या दो सिक्कों को एक बार उछाला, बात एक ही होती है, ठीक है ना। एक सिक्के को दो बार उछालो या दो सिक्कों को एक बार उछालो, बात एक ही होती है, ठीक है ना। तो उसकी स्थितियां कितनी होती हैं, बताया था ना मैंने, चार स्थितियां होती हैं। उसकी स्थितियां कितनी होती हैं, चार, अगर एक सिक्के को दो बार उछाल रहे हो। तो देखो अगर एक सिक्के को सिर्फ एक बार उछाल रहे हो तो कितनी स्थितियां होती हैं, अनुकूल स्थितियां कितनी होती हैं, दो। और एक सिक्के को दो बार अगर उछाल रहे हो तो अनुकूल की स्थितियां कितनी होती हैं, वो कुल स्थितियां कितनी होती हैं, चार। या तो दोनों में हेड आ जाएगा, या एक में हेड टेल, एक में हेड एक में टेल, या एक में टेल एक में हेड, और या दोनों में टेल टेल, तो ये बनती है ना। ये एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया, दो बार। अब देखो बेटा जो तीन बार अगर उछालेंगे तो उसके लिए स्थितियां अलग होती हैं। अब मैं बताता हूं आपको तीन बार के लिए कैसे बनाते हैं। देखो वही जो अभी इसमें लगाया था ना, वही नियम हम इसमें लगा देंगे। देखो बहुत आसान है इसको निकालने का, कि तीनों में हेड हेड आ सकता है ना। अब यहां एक टेल कर देंगे, इन दो को सेम रखेंगे, यहां टेल कर दिया है ना। फिर इस टेल को यहां ले आएंगे, यहां हेड ही रहने देंगे, है ना। तो देखो एच इस टेल को कहां ले आया मैं, यहां ले आया, और यहां वापस एच ही रख दिया मैंने, है ना। फिर इस टेल को यहां ले आया, है ना, तो ये टेल यहां हो गया और इन दोनों में ये एच एच रहने दिया, ठीक है ना, आया समझ में। तो देखो चार सीधे तो ये बन गई है ना। इसी प्रकार से टी 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 की बना दो, टी टी और टी, जैसे इसमें किया था। तो देखो पहले में टी दूसरे में टी, अब अगली बार में यहां एच कर देंगे, इन दोनों को टी टी रहने देंगे, तो यहां टी रहने दिया, यहां टी रहने दिया और यहां एच रहने दिया। फिर क्या बताया था मैंने, देखो एच को यहां ले आएंगे इधर, है ना, एच को इधर शिफ्ट कर देंगे, इधर टी ही रहेगा, यानी यहां एच। देखो पहले इसमें चेंज किया, यहां पहली बार एच कर दिया, फिर अगले वाले में यहां एच कर दूंगा, फिर अगले वाले में यहां एच कर दूंगा, और फिर अगले वाले में तीनों जगह क्या कर दूंगा, एच कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहां टी और यहां एच आ गया, और यहां टी, फिर यहां एच आ गया। देखो टी टी टी, फिर टी टी एच, है ना, और एक सेकंड बेटा, है ना, देखो ये एच एच एच, फिर एच एच टी, और एक सेकंड देखो मैं इधर बनाता हूँ आपको, ये हो गया एच एच एच, है ना। फिर यहाँ पे टी रख दिया, इन दोनों को क्या रखा हमने, एच रखा। फिर यहाँ पे ये क्या आ गया, टी आ गया, और यहाँ एच कर दिया, यहाँ एच कर दिया, फिर ये यहाँ टी आ गया, है ना, और ये क्या हो गया, एच हो गया, और ये एच हो गया, ठीक है, ऐसी स्थिति हो गई ये। फिर अब अपने को किसकी करी, टी की करेंगे अपन, है ना। तो टी तीनों में टी हो सकता है, यहाँ पे क्या कर दिया, ये यहाँ सिर्फ एच कर दिया, और यहाँ पे दोनों जगह क्या रहने दिया, टी रहने दिया। फिर यहाँ एच कर दिया, यहाँ टी रहने दिया, यहाँ टी रहने दिया, और ये क्या हो गया, यहाँ एच कर दिया, यहाँ टी, और ये यहाँ पे टी, यस, है ना। तो ये अगला क्या हो जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ टी आ जाएगा, और यहाँ टी आ जाएगा। तो देखो कितनी स्थिति हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कुल स्थितियां कितनी बन जाती हैं, आठ बन जाती हैं, ठीक है ना। तो देखो मैं दोबारा समझाता हूं आपको कैसे निकालते हैं इनको। देखो पहली बार में क्या किया बेटा, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, चौथा, है ना, कि एक सिक्के को तीन बार उछाल रहे हैं, ठीक है ना, एक सिक्के के लगातार तीन बार उछाल, है ना। तो एक सिक्के के तीन उछाल हैं ये, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था बेटा कि एच एच और एच हो सकता है ना, यहाँ टी कर दो, इन दोनों को एच एच रहने दो, है
फिर यहाँ टी कर दो, इसको एच एच रहने दो, है ना, फिर यहाँ टी कर दो और इनको एच एच रहने दो, है ना। ऐसे ही सेम आप टी की बना सकते हो, टी टी टी, यहाँ एच कर दो, इन दोनों को टी रहने दो, फिर यहाँ एच कर दो, इन दोनों को टी रहने दो, यहाँ एच कर दो और इन दोनों को टी रहने दो। कितनी हो गई बेटा, चार स्थितियाँ, ये हो गई चार, ये हो गई, तो चार प्लस चार इक्वल टू एट, तो कुल स्थितियाँ कितनी हो गई, कुल स्थितियाँ आठ हो गई। तो देखो, जब सिक्के, एक सिक्के को उछाला, सिक्के को एक बार उछाला, तो कितनी, सिर्फ दो अनुकूल स्थितियाँ हैं, दो कुल स्थितियाँ हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर दो बार उछालें, है ना, तो कितनी स्थितियाँ बनती थी, चार स्थितियाँ बनती थी, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, है ना। अगर तीन बार उछालोगे तो कितनी स्थितियाँ बनेंगी, आठ स्थितियाँ बनेंगी। ये हमको समझ में, तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना, आप बनाओगे इनको, बना बना के देख लोगे तो सही याद हो जाएगा आपको ये, है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब प्रश्न पे आ जाते हैं हम, क्या कह रहा है ये कह रहा है देखो, एक सिक्के के लगातार तीन उछालों में एकांतरतः, यानी एक के बाद एक, एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता, है ना। तो एकांतरतः चित या पट, है ना, अब देखो इसमें तो तीनों ही लगातार हैं, इसमें भी दो लगातार आ रहे हैं, ये है देखो एकांतरता, यानी हेड आ रहा है फिर टेल आ रहा है फिर हेड आ रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन है कि नहीं है अनुकूल, ये वाला, है ना। लेकिन ये नहीं है ना, देखो टेल आ रहा है फिर हेड आ रहा है फिर हेड आ रहा है, तो सेम आ गया ना अगली बार, है ना। तो ऐसे ही देखो, ये भी नहीं है, यानी ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, और ये भी अनुकूल स्थिति नहीं थी, इसमें तीनों में सेम आ रहा है, इसमें देखो टेल फिर टेल वापस टेल आ गया तो सेम आ रहा है, ये भी नहीं है, और देखो टेल हेड टेल ये अनुकूल है, यानी एकांतरता चित या पटाना, एक के बाद एक बदलता हुआ, तो देखो टेल आ रहा है फिर हेड आ रहा है फिर टेल आ रहा है, तो ये अनुकूल स्थिति हो गई कि नहीं हो गई। यहाँ पे देखो हेड आ रहा है फिर टेल आ रहा है, यहाँ तक तो थी लेकिन वापस टेल आ गया, तो ये भी अनुकूल स्थिति नहीं है। तो सिर्फ अनुकूल स्थितियाँ कितनी हैं, दो, है ना। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी हैं, आया ना, देख लो समझ में कितना आसान है, अनुकूल स्थितियाँ कितनी हैं, दो। तो पी, अब आप प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल बटे कुल, तो दो बटे आठ यानी एक बटा चार, है ना, कितना आसान है देख लो। तो अब क्या लिखेंगे, पी एकांतरतः चित या पटाना, है ना, एकांतरतः अल्टरनेटिवली, है ना, एकांतरतः को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिवली, एकांतरतः चित या पट, हेड या टेल आना। तो अनुकूल तो कितनी है, दो, और कुल कितनी है, आठ, तो दो से कट गया ना, दो एकम दो, दो चौके आठ, तो एक बटा चार आंसर आ गया, है ना। देखो कितना आसान प्रश्न है, ठीक है। अब अपन इसके फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें बेटा देखो क्या कह रहा है ये, एक अलीप वर्ष में, है ना, अलीप जो लीप नहीं हो, है ना, एक होती है लीप वर्ष और एक होती है अलीप वर्ष। लीप वर्ष को लीप ईयर बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। लीप ईयर में क्या होता है बेटा, याद करो, तुमको सबको पता है कि फरवरी जो होती है, जो फरवरी का महीना होता है, वो 29 दिनों का होता है लीप ईयर में, यानी एक दिन बढ़ जाता है। तो नॉर्मल जो होते हैं ना बेटा, उनमें तो क्या 365 दिन ही होते हैं, और फरवरी कितने की होती है, 28 की होती है। लेकिन हर चौथा साल जो होता है ना, तीन साल के बाद जो चौथा साल होता है, उसमें फरवरी कितने की आ जाती है, उसमें फरवरी 29 की हो जाती है, समझे ना बात। इसीलिए तो जिनका बर्थडे 29 फरवरी को आता है, उनका बर्थडे कितने साल में आता है, चार साल में आता है उनका, ठीक है ना। तो लीप ईयर में क्या हो गया, 366 दिन हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए वो जो एक दिन है वो कौन सा वाला जुड़ता है, वो फरवरी 29 फरवरी वाला जुड़ता है ना। तो लीप और अलीप का मतलब समझ में आ गया। तो देखो लीप वर्ष, लीप वर्ष, पहले तो हम कंसेप्ट समझें कि क्या होते हैं। तो लीप वर्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीप ईयर, है ना। और इसमें फरवरी जो होती है वो कितने की होती है, 29, और टोटल डेज कितने होते हैं, 366। और अलीप जो होता है, नॉन लीप ईयर जो होता है ना, अलीप वर्ष को नॉन लीप ईयर बोलते हैं, है ना। ये इसमें फरवरी कितने की होती है, 28 की होती है, और इसमें 365 दिन होते हैं, है ना। अब देखो बेटा, एक वर्ष जो होती है नॉर्मली 365 दिन होते हैं, तो एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं पता है आपको, वीक कितने होते हैं, सप्ताह, वीक कैसे निकालेंगे, भाग दे देंगे 365 में 7 का,
है ना। तो 365 में मैंने किसका भाग दिया, 7 का भाग दिया। तो 7 × 5 = 35, 1 बचा 15, 7 × 2 = 14, और क्या बच गया, 1 दिन बच गया, है ना। तो 52 तो सप्ताह हो गए, सप्ताह प्लस 1 दिन प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा और हो गया। तो ये किसके लिए है बताओ, ये अलीप वर्ष के लिए है। किसके लिए है, ये अलीप वर्ष के लिए है, जिसमें कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष के लिए क्या हो गया बताओ, जब 366 में दोगे तो यहाँ 2 बच जाएगा ना, शेषफल कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो उसमें क्या होता है, 52 तो सप्ताह होते हैं प्लस 2 दिन बचते हैं, है ना। और ये कैसा हो गया, लीप वर्ष हो गया, ठीक है। तो अब जो 52 सप्ताह हैं तो उनमें तो बराबर बराबर मात्रा में आएंगे ना सारे सोमवार, यानी रवि, सोम, मंगल, बुध, ठीक है ना। यानी 52 जो 52 सप्ताह हैं उन सब में क्या होगा, 52 रविवार आएंगे, 52 सोमवार आएंगे, 52 ही मंगल, 52 ही बुध, 52 ही, तो इस तरह से जो सप्ताह के 7 दिन है वो 52 52 52 52 आ जाएंगे, है ना। फिर वो जो अगला दिन है, 1 दिन है, वो या तो क्या हो सकता है, रविवार हो सकता है, या सोमवार हो सकता है, या मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, है ना। तो कोई से 7 दिनों में से कोई सा एक हो सकता है वो, है ना। देखो बहुत आराम से समझो इस चीज को। और जो लीप वर्ष है उसमें 52 सप्ताह के अलावा कितने दिन हैं, 2 दिन और हैं। तो अब वो 2 दिन जो होंगे वो देखो क्या हो सकते हैं, वो 2 दिन या तो रवि सोम हो सकते हैं, रविवार सोमवार, है ना, या सोम मंगल हो सकते हैं, ठीक है ना, सोमवार मंगलवार हो सकते हैं, या मंगल बुध हो सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूएशन में आते नहीं आते दिन, है ना, या बुध गुरु हो सकते हैं, बुध गुरु हो सकते हैं, या गुरु शुक्र हो सकते हैं, है ना, या शुक्र शनि हो सकते हैं, या शनि रवि हो सकते हैं, शनि रवि, और रवि सोम, तो ये वापस आई क्या, देख लो रवि सोम क्या आ गया, वापस आ गया। तो कितने कॉम्बिनेशन, वही 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कॉम्बिनेशन तैयार हो जाते हैं हमारे, ठीक है ना। तो 1 दिन है तो उसमें या तो वो दिन क्या होगा, रविवार होगा, या सोमवार, मंगल, बुध, कोई सा होगा। और अगर माना लीप वर्ष है तो जो बाकी के 2 दिन हुए वो या तो रवि सोम होंगे, या सोम मंगल होंगे, या मंगल बुध होंगे, इस तरह से होंगे, है ना। अब आपके ये इतना सी समझ में आ गई, तो अब आपके प्रश्न बहुत आसान है। ये देखो क्या कह रहा है, ये एक अलीप वर्ष में, है ना, नॉन लीप ईयर में, इसका मतलब 365 दिन वाली बात हो रही है ना, कौन से दिन वाली बात हो रही, 365 दिनों वाली। तो एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या पूछ रहा है ये, एक अलीप वर्ष में, एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता, ये पूछ रहा है बेटा, है ना। अब देखो केवल 52 रविवार, तो 52 सप्ताह में ही आ जाते हैं, नहीं आ जाते हैं, केवल जो 52 रविवार होते हैं वो तो सिर्फ क्या होता है, 52 सप्ताह में ही आ जाते हैं, है ना। अब इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, कि जो अगला एक दिन जो बच रहा है, क्योंकि अलीप वर्ष है 365 दिन है, वो जो एक दिन बच रहा है वो रविवार नहीं आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 52 रविवार की कह रहा है वो, है ना, क्या कह रहा है वो, सिर्फ 52। तो वो क्या हो सकते हैं, वो जो अगला दिन है, जो एक दिन बच रहा है, वो रवि हो सकता है, या सोम हो सकता है, या मंगल हो सकता है, या बुध हो सकता है, या गुरु हो सकता है, या शुक्र हो सकता है, या शनि हो सकता है, ठीक है ना। वो एक दिन इनमें से कोई सा हो सकता है ना, लेकिन ये प्रश्न में क्या कह रहा है कि सिर्फ 52 रविवार आने चाहिए, है ना, इसका मतलब ये वाला रविवार नहीं आना चाहिए, इनमें से कोई सा भी आ जाए, है ना, चाहे सोम आ जाए, चाहे मंगल आ जाए, चाहे बुध आ जाए, चाहे गुरु आ जाए, है ना। तो 52 रविवार सिर्फ आएंगे तो इसका मतलब ये रविवार नहीं आएगा, इनमें से आएंगे, तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई, यानी इनमें से कोई सा भी एक आने की प्रायिकता क्या हो गई, है ना। ये टोटल कितने हैं आपके पास, 7 हैं, टोटल कितने हैं, 7 हैं, और अनुकूल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये भी आ जाएगा तो भी 52 रविवार ही रहेंगे, मंगल आ जाएगा तो भी 52 रविवार ही रहेंगे, बुध आ जाएगा तो भी 52 ही रहेंगे, गुरु आएगा तो भी 52 रविवार ही रहेंगे,
शुक्र आएगा तो भी 52 रविवार रहेंगे और शनि आएगा तो भी 52 रविवार ही रहेंगे, है ना। तो अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई, 6 हो गई, और कुल स्थितियां कितनी हो गई, 7 हो गई। तो क्या प्रायिकता हो गई बेटा इसकी, 6/7। आई ना बात समझ में। अगर ये कहता आपसे 53 रविवार आने की प्रायिकता, है ना, तो 53वां रविवार ये वाला हुआ कि नहीं हुआ फिर, तो अनुकूल कितनी होती, सिर्फ 1 होती, अनुकूल 1 होती, और कुल कितनी होती, 7 होती, तो 1/7 आता। लेकिन ये क्या कह रहा है आपसे प्रश्न में कि सिर्फ 52 रविवार आने चाहिए, है ना, इसका मतलब जो अगला दिन है वो इनमें से कोई सा आ सकता है, सोम आए मंगल आए तो चलेगा, रवि नहीं आना चाहिए। इसका मतलब अनुकूल कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गई, है ना। तो अनुकूल हो गई 6, कुल हो गई 7, तो क्या हो गई प्रायिकता, 6/7। तो ये मेरे हिसाब से आपके क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, ठीक है बेटा। तो प्रायिकता क्या पूछ रहा है, अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आना, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। तो अनुकूल कितनी है, 6, कुल कितनी है, 7, ये आंसर। अब तो ये करके दिखाना पड़ेगा आपको, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा कि भाई सिर्फ 6/7 ही लिख दिया, इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा। 365 में 7 का भाग दोगे तो 52 आएगा, है ना, तो 52 तो सप्ताह हो गए, 1 बच गया। अब वो 1 फिर ऐसे दिखाओ आप, सोम रवि कुछ भी हो सकता है, फिर ऐसे ये अनुकूल 6 हो गई और कुल कितनी हो गई, 7 हो गई, इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा इसको, ठीक है बेटा। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अच्छा देखो बहुत आसान है, पी ए इक्वल टू 0.65 है, तो ए नहीं की प्रायिकता क्या है। देखो अब इसको एक छोटा सा चीज है, इसमें समझ में आ जाएगा आपके, बहुत आसान है। पी ए इक्वल टू 0.65 दे रखी है आपको, तो पी ए नहीं पूछवाना चाह रहा है, ए नहीं ये आपसे निकलवाना चाह रहा है। तो देखो बेटा किसी कोई घटना 100% श्योर है, कोई घटना क्या है 100% श्योर है कि उसका होना ही है, तो वो जो है उसकी प्रायिकता 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है। और अगर कोई घटना क्या है, किसी घटना के घटित होने की संभावना बिल्कुल शून्य है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो अगर कोई घटना पूरी तरह से सर्टेन है, निश्चित है कि घटित होगी ही, जैसे ऐसे समझो आप, है ना, सूर्य का निकलना, सुबह सूर्य का निकलना, तो क्या ऐसा हो सकता है सूर्य नहीं निकले, नो, है ना। तो सूर्य के निकलने की प्रायिकता कितनी हो गई, सूर्य के उगने की 1 हो गई, आई ना बात समझ में, है ना। तो सूर्य के न निकलने की प्रायिकता कितनी हो गई, 0 हो गई ना, है ना। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जो कुल प्रायिकता होती है उसका योग 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो ऐसे समझो कि कोई वस्तु की प्रायिकता आपको दे रखी है ना, उसके घटित होने की, तो अगर उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता अगर आपको निकालनी है, तो घटित होने की प्रायिकता को 1 में से घटा दो, सिंपल, है ना। यानी क्या होता है बेटा कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, इनका योग 1 होता है, है ना। पी ए प्लस ई पी ए बार, ए बार का मतलब क्या हो गया, ए नहीं, ए नहीं को क्या बोल देते हैं, ए बार लगा देते हैं, इन दोनों का योग ये होता है, है ना। तो ऐसे समझो किसी बच्चे के पास होने की प्रायिकता 0.6 है, तो उसके फेल होने की प्रायिकता क्या हो गई बताओ, 1 में से 0.6 को घटा दो, तो क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसे कहें हम किसी बच्चे के पास होने की प्रायिकता कितनी है, 0.8 है, तो उसके फेल होने की प्रायिकता क्या हो गई, 0.2 हो गई, 1 में से घटा दो। मैं कहूं आपसे आज बरसात आने की प्रायिकता 0.4 है, तो बरसात नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 में से 0.4 को घटा दो, तो क्या जाएगा, 0.6 आ जाएगा, आई ना बात समझ में, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, पी ए 0.65 दे रखी, तो पी ए नहीं, तो पी ए नहीं
PA बार वो क्या होती है, 1 माइनस PA, ठीक है ना। तो एक में से क्या घटा दो, 0.65 घटा देंगे, तो वो क्या निकल जाएगा, A नहीं निकल जाएगा। तो 1 में से 0.65 घटाया तो यहाँ 0.00 लगा देंगे ना। देखो 10 में से 5 घटाया तो 5, है ना, ये कितने रह गए, इस पे से हासिल ली थी ना इसने, तो ये 9 रह गए, 9 में से 6 घटाओगे तो 3 आ गया, और इस पे हासिल दे ही चुका है तो 0, तो ये 0 आ जाएगा, तो 0.35, है ना। तो पी ए नहीं कितनी आ गई, 0.35 आ गई, ठीक है ना। तो आया ना समझ में, कुल प्रायिकता किसी घटना के घटने की कुल प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है ना। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, क्या कह रहा है इसमें। अच्छा 6 तो कर लिया हमने, है ना। अब है 7, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में है, दो सिक्कों को एक बार उछालने पर, दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, है ना। तो देखो दो सिक्कों को एक बार उछालना है, तो मैंने बताया था ना, एक सिक्के को दो बार उछालो या दो सिक्कों को एक बार उछालो, बात एक ही है ना। तो देखो एक उछाल मैं सिर्फ कितनी होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो बताई थी ना मैंने आपको, दो कुल स्थितियां कितनी होती हैं, दो होती हैं। अगर दो उछाल करोगे आप उसमें, दो बार उछालोगे, है ना, तो क्या होगा, या तो इसमें भी हेड आएगा, इसमें भी हेड आएगा, या इसमें हेड आएगा, इसमें टेल आएगा, या इसमें टेल आएगा, इसमें हेड आएगा, या दोनों में ही क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। तो कुल कितनी स्थिति होती हैं, 4, है ना। अगर तीन उछाल हैं, देखो बार बार बनाओगे ना तो अपने आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ये, है ना। अगर तीन उछाल कर रहे हो आप, तो तीन उछाल का बताया था ना मैंने आपको, यानी हेड हेड हेड, यहाँ टेल कर दो, फिर यहाँ दोनों हेड रहने दो, है ना, फिर यहाँ टेल कर दो, यहाँ हेड हेड रहने दो, फिर यहाँ टेल कर दो, यहाँ हेड हेड रहने दो, फिर टेल का इसी तरह से टेल का कर लो, टी टी टी, फिर यहाँ एक बार हेड कर दो, यहाँ टेल टेल रहने दो, यहाँ हेड कर दो, यहाँ टेल टेल रहने दो, यहाँ हेड कर दो, यहाँ टेल टेल रहने दो। तो कितनी स्थिति हो गई, 4 और 4 8। तो इस बार बार आप बनाओगे इसको तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। तो हमारे लिए तो इस वाले का प्रश्न है ना ये, सेकंड का, है ना। क्या कह रहा है ये, दो सिक्कों को एक बार उछालने पर, दो सिक्कों को एक बार उछालो या एक सिक्के को दो बार उछालो, बात एक ही होती है, पर अधिक से अधिक एक पट आना। तो देखो अब मैं लिखता हूं, पी अधिक से अधिक एक पट आना, है ना, टेल, कम अधिक से अधिक एक टेल आ सकती है ना। अब देखो ध्यान से देखो इनको, देखो क्या स्थिति, या तो इसमें भी हेड और इसमें भी हेड, दो सिक्कों को उछाल रहे हैं, माना पहले में हेड आया दूसरे में हेड आया, दोनों सिक दो सिक्कों को उछाला, हो सकता है पहले में हेड आया दूसरे में टेल आ जाए, हो सकता है पहले में टेल आए दूसरे में हेड आ जाए, और हो सकता है दोनों में ही क्या आ जाए, टेल आ जाए, है ना। अब प्रश्न पे देखो ध्यान करो, अब आप क्या कह रहा है, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एक पट आए, तो पट किसको बोलते हैं, टेल को, तो ज्यादा से ज्यादा एक टेल आए, है ना। तो देखो इसमें भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक टेल आ रहा है, इसमें भी आ रहा है एक टेल आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा एक आ सकता है, लेकिन इसमें तो दो आ रहे हैं ना, तो ये क्रॉस हो गई कि नहीं हो गई, ये स्थिति अनुकूल नहीं है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, अधिक से अधिक एक टेल आ सकता है। लेकिन इसको भी लेंगे ध्यान से देखो कि अधिक से अधिक एक पट आने का मतलब ये भी तो है कि 0 पट आ जाए, ये कह रहा है मैक्सिमम एक आ सकता है, तो इसके अंदर ये चीज छिपी हुई है ना कि 0 भी तो आ सकता है ना उसमें, है ना। जैसे ऐसे समझो आप, मैं कहूं आपसे कि पूर्णांक 10 का है ना, तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम 10 ला सकता है कोई बच्चा, लेकिन वो जरूरी थोड़ी है, 0 भी तो ला सकता है, नहीं ला सकता है, समझे कि नहीं समझे बात, वो 0 भी ला सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैक्सिमम अगर 10 है तो उसमें एक से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 या 10 नंबर ही आएंगे, 0 नंबर भी आ सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अधिक से अधिक एक पट आना, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आ जाए, तो ये भी अनुकूल है, ये भी अनुकूल, और ये भी अनुकूल है, क्योंकि इसमें
अधिक से अधिक एक टेल में आने का मतलब है कि कम उसमें जीरो टेल भी तो आ सकती है ना, ज्यादा से ज्यादा एक टेल आने का मतलब क्या है, उसमें जीरो टेल भी शामिल है। तो अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई, तीन हो गई, और कुल स्थितियां कितनी हो गई, चार हो गई है ना, आई ना बात समझ में। तो ये अनुकूल है, ये अनुकूल है, ये तो इस प्रश्न में आपकी बुक में जो आंसर है वो गलत दे रखा है ना। देखो सातवां प्रश्न जो है बेटा, इसको क्या कर लेना आप, 3/4 कर लेना। देखो ये गलती है इसके अंदर, ठीक है ना, 3/4 आएगा ये, ठीक है। तो ये थोड़ी सी माइन्यूट चीज है, देखो दोबारा समझाता हूं, अधिक से अधिक एक पटाना, ज्यादा से ज्यादा एक टेल आ सकती है ना, तो जीरो टेल भी, इसका मतलब दोनों में हेड आ जाए, ये भी क्या है, एक उसकी अनुकूल स्थिति है, ठीक है। अच्छा अब अपन इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, अभी आपके सबके समझ में ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये डाइस का है ना, देखो हमने एक बार उछालने का तो कर दिया था ना, डाइस पे, डाइस को एक बार उछाल कर दिया, तो उसमें एक डॉट आएगा या दो डॉट आएंगे या तीन डॉट आएंगे या चार डॉट आएंगे या पांच डॉट आएंगे या छह डॉट आएंगे। अगर एक पासे को दो बार उछालो तो फिर कितनी कुल स्थितियां कितनी बनती हैं, बताएं आपको कितनी बनती हैं, 36 स्थितियां बनती हैं। अभी मैं दिखाता हूं कि कैसे बनती हैं वो, है ना। तो ये कह रहा है देखो कि एक पासे को दो बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 है और 13 है ना। तो एक पासे को दो बार उछाला जाता है ना। तो देखो बेटा दो बार उछाल रहे हैं, तो हो सकता है पहले में एक आए, दूसरे में भी एक आ जाए, है ना। हो सकता है पहले में भी पहले में तो एक आए, दूसरे में दो आ जाए, दो बिन दो दो डॉट आ जाए। एक सिक्के को कितनी, एक पासे को कितनी बार उछाल रहे हैं, दो बार, एक पासे को दो बार उछाला जाता है। तो उस पासे को पहली बार उछाला एक आया, हो सकता है दूसरी बार में भी एक आ जाए, हो सकता है पहली बार में एक आए दूसरी बार में दो आए, है ना, ये भी स्थिति हो सकती है। हो सकता है पहली बार में एक आए दूसरी बार में तीन आए, हो सकता है पहली बार में एक आए दूसरी बार में चार आए, हो सकता है पहली बार में एक आए दूसरी बार में पांच आए, और हो सकता है पहली बार में एक आए और दूसरी बार में छह आए। देखो यहां पे क्या है, सब में पहला तो एक एक अक्षर है और दूसरे अक्षर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो सेम। अब देखो इसमें पहला अक्षर दो कर दूंगा, पहले में पहली बार उछाला तो दो आए और दूसरी बार उछालने पर एक आए, हो सकता है ना। फिर क्या हो जाएगा, पहला अक्षर सेम रखेंगे, दो दो, फिर दो तीन, फिर दो चार, फिर दो पांच और दो छः। हो सकता है पहली बार दो आए और दूसरी बार छः आ जाए, है ना, ये कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। फिर हो सकता है पहली बार उछालने पर तीन आए और दूसरी बार एक आए। तो देखो अब इसमें तीन तीन को, फर्स्ट वाली को तीन तीन रख लूंगा और बाकी सबको एक एक बढ़ाता चला जाऊंगा, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पाँच और तीन छः। फिर हो सकता है पहली बार उछाला चार आया, दूसरी बार उछाला एक आया, हो सकता है पहली बार उछाला चार आया और दूसरी बार दो आया, है ना। तो ये कुछ भी आ सकता है इनमें से, इतनी सारी वो बनती हैं, कॉम्बिनेशंस बनते हैं, है ना। तो इनमें सब में पहला चार सेम रखूँगा, ठीक है, चार चार, चार पाँच और चार छः। फिर अगली बार मैं पहला पाँच कर दूंगा, हो सकता है पहली बार में पाँच आए और दूसरी बार में एक आ जाए, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, पाँच पाँच और पाँच छः। अब हो सकता है पहली बार में छः आए दूसरी बार में एक आए, है ना, छः दो, छः तीन, छः चार, छः पाँच और छः छः, है ना। तो देखो कितनी स्थितियाँ हो गई बेटा, गिनो, 36 हो गई, एक दो तीन चार पाँच छः, तो एक पंक्ति में छः हैं और टोटल पंक्तियाँ कितनी, एक दो तीन चार पाँच छः, छः छंगा 36। तो कुल स्थितियाँ कितनी हो गई, 36। तो इसको दो चार बार बनाओगे ना आप इस टेबल को, तो आपको आ जाएगी ये, है ना। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या था, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि एक पासे को दो बार उछाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि संख्याओं का योग 9 है और संख्याओं का योग 13 है,
तो पी योग नौ आना है ना। तो अब हम देखेंगे नौ आने की अनुकूल स्थितियां कितनी हैं। तो कुल तो हमको निकल गई 36, बटे वाली चीज तो आ गई हमारे पास 36। तो कुल देखो आप नौ आना, तो देखो ये मैक्सिमम 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस वाली रो में, तो 9 आ ही नहीं रहा किसी का भी जोड़। इसमें भी देखो मैक्सिमम 8 आ रहा है, ये बन गया एक कॉम्बिनेशन, ये बन गया 3 और 6 का जोड़ 9 आ रहा है ना। और इसमें देखो 9 इसका जोड़ आएगा 4 और 5 का, तो देखो एक ये है ना फर्स्ट के लिए एक कॉम्बिनेशन, तो ये वाला हो गया। एक इसका भी योग 9 आ रहा है, एक इसका भी योग 9 आ रहा है, एक इसका भी योग 9। तो देखो ये एक उस पे है, एक ही सीध में है। तो अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई, 4 1 2 3 4, इन्हीं में ही सिर्फ 9 है, बाकी और किसी में भी तुम किस सबको जोड़ के देख लेना, किसी का कम आएगा तो किसी का ज्यादा आएगा। जैसे इसका देखो 10 आ रहा है, इसका 8 आ रहा है ना। तो अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई, 4। कुल स्थितियां कितनी हो गई, 36। तो कट गया ना 4 एकम 4, 4 नाम 36, ये लो आंसर आ गया। सेकंड क्या कह रहा था, पी योग 13 आना, योग कितना आए 13 आए। तो देखो इसमें मैक्सिमम 7 आ रहा है, इसमें मैक्सिमम 8 आ रहा है जोड़, इसमें मैक्सिमम 9 आ रहा है, इसमें 10 आ रहा है, इसमें 6 और 5 11 आ रहा है, इसमें 12 आ रहा है। तो मैक्सिमम 13 तो आ ही नहीं रहा, किसी में भी नहीं आ रहा है ना 13 किसी में भी नहीं आ रहा। तो अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई, 0, और कुल स्थितियां कितनी हो गई, 36। तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई, 0 हो गई। आ गया ना समझ में। तो देखो बहुत आसान प्रश्न है ये, है ना। अब इसके प्रश्न बचे आपके 3 प्रश्न, तो इसके और कुछ एग्जांपल्स जो आसान आसान है वो मैं नहीं कराऊंगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो एग्जांपल्स के जो हैं जो थोड़ा समझने लायक हैं आपको, उनको भी मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। तो इस तरह से आपके 2 वीडियो में ये पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।